ये वीकेंड वो बहुत ही खास था, क्योंकि उस दिन प्रकृति के नन्हे मुन्हे रूप प्रकृति से जुड़े थे, या यूं कहा जाए कि उन्होंने ही मुझे प्रकृति से जोड़ा था। ना ही इसकी कोई प्री प्लानिंग थी, या ना ही कभी हमने इसके बारे में सोचा था, ना ही कोई ट्रैकिंग शूज, ना ही कोई बैकपैक्स, बस एक पानी की बोतल, दैट्स इट। और चल दिए हम माँ प्रकृति की गोद में खेलने। रास्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं जब आपके साथ बच्चे होते हैं। उस दिन प्रकृति को हमने नाचते हुए देखा, खिलखिलाते हुए देखा, हर एक रूप में, हर एक चेहरे में। वैसे तो हम रोज रास्तों पर चलते हैं, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ कुदरत को ही अनुभव करने निकल पड़ते हैं, तो वो दृश्य जो आपने हजारों बार देखे थे उस वक्त खास लगेंगे। कुदरत के कण कण में आप जीवन अनुभव करेंगे, और विश्वास कीजिए आपके अंदर कुछ ऐसा निखर कर आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस दिन ये समझ में आ गया कि अगर खुश रहना है तो बच्चा बनिए। बच्चों की सरलता बहुत खास होती है। चप्पल टूटी, टूटने दो। धूप लगी, छांव ढूंढ लो। थक गए, बैठ गए। इट वॉज सो सिंपल। मन अंदर से ही खुश हो रहा था, खिलखिला रहा था। गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टाभणी वायु का ये पवित्र मंदिर हमारी मंजिल थी। यूं तो ये मंदिर पुराना मंदिर है, लेकिन 3-4 साल से नया बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित माता की प्रतिमा जमीन में से निकली थी, और फिर यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पहुंचकर हमें गजब की शांति का अनुभव हुआ।
हम सब गजब की ऊर्जा से भर गए थे। और रही बात भूख प्यास की, तो उसका ध्यान माँ प्रकृति ने रख लिया। ये वो यादें थी जिन्होंने हमें सरलता से जीना सिखा दिया, खुश रहना सिखा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए।